की जहां अन्नपूर्णा इलाके में एक शादी समारोह से एक चोर 6 मोबाइल चुरा कर ले गया। आरोपी इतना सातिर था कि महज 2 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में चोर की पहचान होने के बाद पुलिस ने लगभग 3 घंटे में ही उसे गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। रात 1:30 से सुबह 5:45 बजे के बीच हुई वारदात को बताया जाता है। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक हरसापति वंशी हंसपाल निवासी सिंधी कॉलोनी ने बताया कि वह 22 जून को भाई शरद की शादी में शामिल होने सुदामा नगर स्थित झूलेलाल मंदिर के सामने बनी समाज की धर्मशाला में गई थी। यहां फर्स्ट फ्लोर पर बेटी वैशाली और कशिश हंसपाल के साथ बाकी के मेहमान भी थे। मंगलवार को रात करीब 1:30 बजे हरसा ऊपर के कमरे में सोने चली गई। सुबह करीब 5:45 बजे उनकी बेटी वैशाली ने आकर उसके मोबाइल के बारे में पूछा। इस दौरान हरसा ने अपने पास मोबाइल होने की बात से इनकार कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि हॉल से बेटी वैशाली, कशिश इसिका खानचंदानी, विजय खानचंदानी, सुमित अहूजा और सिद्धांत यादव का मोबाइल भी गायब था। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी देखे तो एक युवक ऊपर हॉल में आता दिखाई दिया। उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी थी। फुटेज के अनुसार चोर सिर्फ 2 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने फुटेज के आधार पर आसपास के मुखबिरों से जानकारी ली, जिसमें एक ने आरोपी की पहचान हेमंत पुत्र नारायण ठाकुर निवासी सुदामा नगर के रूप में की है। आरोपी पर अन्नपूर्णा थाने में चोरी व मारपीट के कई केस भी दर्ज हैं। पुलिस ने लगभग 3 घंटे में आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हेमंत ने चोरी की वारदात को कबूल भी लिया है। उसके पास से चोरी के 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। फिलहाल उसे आरोपी नहीं बनाया गया है।